अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टू व्हीलर गुरु। टू व्हीलर गुरु के इस एपिसोड में आज हम देखेंगे कि होंडा एक्टिवा का जो सेल्फ स्टार्ट होता है जो ख़राब हो जाता है, तो कई लोगों का ये प्रॉब्लम होता है। अगर आप रिले चेंज करते हैं फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तो सेल्फ स्टार्ट का जो कार्बन होता है उसके अंदर वो कैसे बदलते हैं वो मैं आज आपको दिखाऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे जो वीडियोस होते हैं उनके व्यूज़ दोनों का डिफरेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो जैसा कि पिक्चर में आपने देखा कि दोस्तों जो मेरे सब्सक्राइबर्स है वो लगभग 200 से भी कम है और जो व्यूज़ है वो 16,000 से भी ऊपर है। तो मतलब आप सिर्फ वीडियो देखते हैं, ना लाइक देते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ अगर मेरे वीडियो से आपके कुछ काम आते हैं या फिर आपको कुछ भी उसमें से इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो जो लाइक बटन है उसको दबाइए। प्लीज़ 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 और लाइक्स और सब्सक्राइब देना ना भूलें। सबसे पहले ये फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर की मदद से एक ये स्क्रू और ये दो स्क्रू जो यहाँ पर है बूट के अंदर, ये वाला और इधर ये जो हुक आता है इसके ये जो दो स्क्रू, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि टोटल 6 स्क्रू हमें खोलने हैं सबसे पहले। और अगर ये जो बूट के स्क्रू आपने लगाए हैं ये जो बोल्ट वो भी खोल लें, एक ये वाला और ये जो बीच में आता है वो एक ये वाला। उसके बाद ये एक स्क्रू यहाँ पर आता है, देखिए ये स्क्रू भी हमें खोल लेना है। उसके बाद ये जो पूरी दिखती है उसको ऐसे ऊपर उठा लेना है। उसके बाद एक ऐसे छोटे फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये जो होस पाइप है एयर फिल्टर का वो खोल लेंगे। ठीक है, ये जो होस पाइप है ये अलग हो गया है। उसके बाद ये जो बोल्ट है 8 नंबर का,
वो 8 नंबर के रिंग पाने यहाँ रहते अच्छे हम खोल लेंगे। दोस्तों ये जो ग्रीन कलर का वायर आप देख रहे हैं, ये स्टार्टर मोटर का पॉजिटिव वायर है और ये जो ब्लैक वायर है वो नेगेटिव वायर है। ठीक है दोस्तों, ये जो स्टार्टर मोटर है उसके सारे बोल्ट हमने खोल लिए हैं। इसमें सिर्फ दो ही मेन माउंटिंग बोल्ट आते हैं, ये वाला और ये एक जो इधर नीचे है वो वाला। स्टार्टर को ऐसे खींच के निकाल ले और यहाँ पे एक ओरिंग होता है जो इसके अंदर है। तो अब मैं दिखाऊंगा कि इसका सर्विसिंग कैसे करते हैं, इसके अंदर जो कार्बन होता है उसको कैसे चेंज करेंगे और इसके अंदर ग्रीसिंग कैसे करेंगे। स्टार्टर मोटर है उसको हमने गाड़ी से खोल कर अलग कर लिया है। अभी इसको खोलने के लिए हमें एक रैचेट, और ये रैचेट ना हो तो उसकी जगह पे 8 नंबर का रिंग पाना, और रैचेट अगर यूज़ करते हैं तो 8 नंबर का सॉकेट और साथ में एक छोटा डिस्टम पीस और एक फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर। तो ये जो स्टार्टर मोटर है उसको खोलने के लिए ये एक ये वाला बोल्ट, एक ये वाला और ये एक वाला, मतलब पूरे 3 बोल्ट है जिसको हमें खोल लेना है। ध्यान रखिए जो कुछ भी आप इसमें से अलग करते हैं उस सब चीज़ों को संभाल कर रखिए। अभी ये जो है उसको ऐसे निकाल लेंगे। ये जो है मैग्नेट के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए आपको थोड़ी ताकत से निकालना पड़ेगा। तो ये तो सिर्फ एक कवर जैसा है, इसके अंदर दो मैग्नेट है, ये और एक, ये आप देख सकते हैं कि ये कितना गंदा है। और ये जो है इसका मेन पार्ट है जिसे आर्मेचर बोलते हैं, तो इसको भी ऐसे निकाल लेंगे। और ध्यान रखिए यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है और एक स्प्रिंग इधर यहाँ पे होता है, तो धीमे धीरे से निकालिए और जो स्प्रिंग है वो संभाल कर रखिए। ये आप देख सकते हैं दो आमने सामने स्प्रिंग्स है और ये इसके कार्बन है, तो इसका एक कार्बन ऐसे स्क्रू के साथ लगा हुआ होता है और ये एक वाला ऐसे सोल्डर किया होता है। जो स्क्रू वाला है वो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं इसका कार्बन है। तो दोस्तों ये जो कार्बन है वो घिस चुका है, तो हमने मार्केट से इस
इसका सेम ऐसा दूसरा नया पीस खरीदा है। ये दोनों एक नहीं मिलते, दोनों पैर में मिलते हैं और उसके साथ स्प्रिंग भी आते हैं अगर आपसे खो जाए तो। आप देख सकते हैं प्लास्टिक की पैकिंग में आता है ये। तो ये जो है ये नया वाला कार्बन है और ये है वो पुराना वाला है। आप देख सकते हैं दोनों में से ये पुराना वाला कितना घिस चुका है। तो ये जो पीस है उसको हमें सोल्डरिंग करना पड़ेगा और ये एक पीस है उसमें एक स्क्रू का होल हटा है, वो होल में से हमें स्क्रू डाल के इसके साथ फिट करना है। दोस्तों सबसे पहले फिटिंग से पहले हम ये दोनों पुर्जों को पेट्रोल से या फिर किसी भी ऐसे अल्कोहलिक पदार्थ से धो लेंगे और ये जो आर्मेचर है उसको भी ज़्यादा पेट्रोल से नहीं धोना, सिर्फ ये जो बेयरिंग है उसको ही धोना है। और ये जो उसका आर्मेचर का जो पावर सप्लाई का एक पॉइंट है वहाँ पे हम सैंड पेपर से घिसेंगे। ये जो इधर कनेक्शन देने के लिए है वायर का उसको भी अच्छे से सैंड पेपर से घिस लीजिए। दोस्तों ये जो स्टार्टर मोटर है उसको होंडा कंपनी खुद नहीं बनाती, इसके ऊपर यहाँ पे TVS की ब्रांडिंग है, आप देख सकते हैं। इस पार्ट को साइड में रख देंगे। ये जो आर्मेचर की बेयरिंग है उसको भी अच्छे से इनर लगा लेंगे और धो लेंगे। ये जो कॉपर सैंड पेपर की मदद से जो कॉपर वाला हिस्सा है जिसमें से करंट पास होता है आर्मेचर को, वो सैंड पेपर की मदद से घिस लेंगे। Through the highways, till my shadow turns to sun rays.
अभी ये जो स्टार्टर मोटर की बॉडी वाला हिस्सा है उसे भी अच्छे से साफ कर लेंगे। उससे पहले ये प्लास्टिक वाला पार्ट। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. ठीक है दोस्तों, अभी ये जो स्टार्टर मोटर का हेड है उसको पेट्रोल से अच्छे से वॉश कर लिया। अभी ये जो नया कार्बन है उसको ये पुरानी वाले की जगह पे लगा देंगे। इसके लिए हमें एक सोल्डरिंग आयरन और सोल्डरिंग वायर चाहिए, और अगर आप नहीं हो सकता तो एक अच्छे मैकेनिक की मदद ले लीजिए। एक बाइक में 10 रुपया।
ये जीप दो टाइमर 25 रुपया पे आपकी कार भी कोई 10-15 तो मत मनाओ ऐप थोड़ी छका तो मुझे बात कर ता पहले 50 रुपया नंबर तो 50 रुपया कितना दे रहे हैं अगर थोड़ी सी ना वो टॉपिक में पिक्चर दो तो फिर हमारे 40 रुपया बस काम पे बारो चालू कोई गया हूँ नहीं कि मियाँ गया हूँ पे कोई ना भी गया नहीं हूँ पे कर खाए तो ठीक है फ्रेंड्स, ये जो पूरी असेंबली है स्टार्टर मोटर के जो सब पार्ट्स है, ये हेड है उसका, ये आर्मेचर और ये उसकी बॉडी और ये उसका कार्बन है और ये जो नया कार्बन है उसको हमने हेड के साथ सोल्डर कर लिया है। और अभी इसको फिटिंग करने के लिए हमें एक फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर, एक रैचेट या फिर आप ले सकते हैं रिंग पाना या फिक्स पाना, और उसको लुब्रिकेट करने के लिए एक ग्रीस का पैकेट और उसके जो स्प्रिंग है अगर पुराने वाले हो तो पुराने वाले, और अगर ये जो कार्बन का सेट आप खरीदते हैं उसके साथ अगर नई स्प्रिंग्स आती है तो नई वाली ही लगाइए। और सब पार्ट्स को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करके फिटिंग करें। तो चलिए हम इसका फिटिंग करते हैं फ्रेंड्स। अब हम ये जो पूरी स्टार्टर मोटर की असेंबली है उसको असेंबल करेंगे। सबसे पहले ये जो हेड वाला पीस है मोटर का, उसके अंदर ये जो प्लास्टिक का पीस है उसको डालेंगे, और साथ में ये कार्बन लगाना ना भूले। तो पहले ये जो प्लास्टिक का पीस है उसको ऐसे इसके अंदर लगा लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से फिट होगा। उसके बाद ये जो कार्बन है उसको यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे कुछ इस तरह से लगेगा। ये जो इसका नज़दीक वाला पॉइंट है यहाँ पे लगेगा। इसके साथ में लगेगा ये वाला स्क्रू, इसको हम फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर की मदद से फिट करेंगे। देखिए ये दोनों कार्बन किस तरह से फिट हो जाएगा। ये दूसरा स्क्रू भी लगा दीजिए। ये जो प्लास्टिक का पीस है और ये दोनों कार्बन ये अच्छे से फिट हो गए। ये जो दोनों स्प्रिंग है उसको हमने सामने लगा देंगे। ये जो दो स्क्रूज उसके देखिए कुछ इस तरह से लगती है आमने सामने, और ये जो कार्बन है जो उसके अंदर कुछ इस तरह से लगते हैं। इस तरह से इसके अंदर से फिट होते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो आर्मेचर है हम उसको अच्छे से ये ग्रीस से लुब्रिकेट कर देंगे, क्योंकि ये स्प्रिंग्स लगने के बाद ये सीधा इसके अंदर ही फिट होगा। ये जो एक्सल का जो यहाँ पे होल है उसके अंदर भी अच्छे से ग्रीस लगा लेंगे। We'll
से कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे लगा लेंगे ग्रीस। पूरा ग्रीस यहाँ पर इधर पीछे भी लगा लेंगे। इसके बाद थोड़ा क्रीसिंग यहाँ पर अंदर, ये जो पुशिंग है इस बॉडी के अंदर जहाँ पे ये एक्सल का पिछला हिस्सा फिट होता है उसके अंदर भी क्रीस लगा लेंगे। ये देखिए इसके बाद इस आर्मेचर को इस हेड के साथ अटैच करेंगे। उससे पहले ये स्प्रिंग लगाएंगे और ये जो आर्मेचर को हेड के साथ अटैच करने का काम है ये थोड़ा मुश्किल है, इतना मुश्किल भी नहीं है, आपको एक और इंसान की मदद लेनी पड़ेगी। कार्बन इसके अंदर ठीक है। अभी जो आर्मेचर है उसको इसके अंदर डाल देंगे, ये आर्मेचर इसके अंदर डाल दो। आर्मेचर है वो उसके साथ अटैच हो गया है। देखिए अब इसके बाद ये जो बॉडी है उसको इसके ऊपर फिट करेंगे। उससे पहले ये जो पैकिंग की रिंग आती है रबर की उसको यहाँ पे लगा देंगे। लगाने से पहले इस रिंग को भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसको ग्रीसिंग इसलिए करते हैं क्योंकि ये फिटिंग करते समय बॉडी के साथ चिपक जाए और जब हीट गर्म हो, ये जो स्टार्टर मोटर है गर्म हो जब ये रिंग को कोई नुकसान ना हो। देखिए कुछ इस तरह से ये रिंग यहाँ पे फिट होता है। उसके बाद ये जो बॉडी है इसे उसको ऊपर लगा दीजिए। ये बॉडी को लगाने से पहले ये देखिए ये तीन होल है यहाँ पे, लेकिन
ये वाला हिस्सा कुछ अलग है, ये दो साइड से। तो इस हिस्से को इधर नीचे की ओर आने दे, जहाँ पे ये छोटे दो होल है स्क्रू बोल्ट के, कुछ इस तरह से ये लगेगा। और जब आप ये जो है मैग्नेट वाला हिस्सा उसको ये हेड के साथ फिट करते समय ये आर्मेचर को यहाँ से थोड़ा दबा के पकड़िए, क्योंकि ये ऐसे ऐसे आर्मेचर को बाहर खींच सकता है। तो आपको वो जो कार्बन की फिटिंग है वो दोबारा सब पहले से करनी पड़ेगी। तो कुछ इस तरह से ये इसके साथ फिट होगा। देखिए इसका फिटिंग हो गया। अभी इसको अच्छे से बोल्ट टाइट करेंगे। सब बोल्ट के साथ जो वॉशर्स है उनको लगाना ना भूले। अभी ये जो बोल्ट है उसको मैं रैचेस से अच्छे से टाइट कर दूँगा। अगर आपके पास रैचेस नहीं है तो आप रिंग पाने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये जो बोल्ट है उसको ऐसे आमने सामने करके एक एक करके टाइट करें, मतलब कि किसी एक बोल्ट को एक बार में ही टाइट नहीं करना है, सबको ठीक थोड़ा थोड़ा करके बारी बारी से टाइट करना है। और जो सावधानी हम इंजन के काम में बरतते हैं वही सावधानी इसके काम में भी बरतनी है कि बोल्ट्स को बहुत ओवर टाइट नहीं करना, क्योंकि अगर ओवर टाइट करेंगे तो ये जो है एल्यूमिनियम है उसका थ्रेड खराब हो जाएगा। हमारा स्टार्टर मोटर बनकर तैयार हो गया। ये ओरिंग को उसकी जगह पे वापस लगा दीजिए। अभी हम इसको गाड़ी के साथ लगाएंगे और उससे पहले टेस्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो स्टार्टर मोटर है उसको हम यहाँ पे वापस लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो उसके वायर्स है उसके कॉन्टैक्ट उसको सैंड पेपर से अच्छे से उसके ऊपर जो कोरोजन लगा है वो अच्छे से क्लीन कर लेंगे। मैंने इसके ऊपर टेप लपेटा था ताकि शॉर्टिंग ना हो। जो तीन टर्मिनल है उसको हम अच्छे से सैंड पेपर से घिस लेंगे, एक ये वाला और ये जो एक यहाँ पे है। यहाँ पे मैंने इसलिए इसको यहाँ पे फिट किया था ताकि मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, ताकि गाड़ी को जो ग्राउंड कनेक्शन है यानी कि नेगेटिव कनेक्शन वो नहीं मिल रहा था। टर्मिनल से वायर के उसको अच्छे से सैंड पेपर से घिस लेंगे। ठीक है, हमने अभी ये सब टर्मिनल्स को अच्छे से सैंड पेपर से घिस लिया है।
अब ये जो होस पाइप फिटिंग के बीच में आता है उसको निकाल लेंगे। ये जो होस पाइप है हमने उसको भी निकाल लिया है अभी। अब ये जो टर्मिनल्स है उसके ऊपर ग्रीस लगा लेंगे पहले अच्छे से, क्योंकि ग्रीस जो है वो कोरोजन नहीं जमने देता। स्टार्टर है उसके ऊपर भी यहाँ पे अच्छे से ग्रीस लगा लेंगे, जो यहाँ पे गियर आता है मेन शाफ्ट का वो। और फिटिंग स्टार्टर को यहाँ फिट करने से पहले ये जो वायर्स है उसको स्टार्टर के साथ फिट करके पहले स्टार्टर की टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, अभी ये जो स्टार्टर मोटर है उसको हमने अच्छे से कनेक्शन दे दिया है उस हेलमेट। अभी आप देख सकते हैं स्टार्टर अच्छे से फ्रीली घूम रहा है, बस बंद कर। अभी आप देख सकते हैं जो स्टार्टर है वो हमने अच्छे से सर्विस कर लिया, अभी इसको फिर से इंजन के साथ लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारी स्टार्टर मोटर लगेगी, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे दो बोल्ट लगेंगे। तो ये जो स्टार्टर मोटर है उसको इस तरह से इसके अंदर डाल देना है, और ये जो दो बोल्ट के होल है उसको भी मैच करना है। ठीक है, स्टार्टर मोटर लग गया है। ठीक है, जो दो बोल्ट है एक ये वाला और एक ये वाला, अब ये दोनों बोल्ट को यहाँ पर स्टार्टर के ऊपर वापस फिट कर देंगे, और ये जो वायर है अर्थिंग की उसको भी वापस लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो अर्थिंग का एक केबल है आखिरी वाला है उसको ऐसे इसके अंदर स्क्रू लगा के उसको वापस लगा लेना है। और ये जो ब्लैक वाला है वो हमने ऑलरेडी अटैच कर रखा था, उसके नीचे एक जाटा है जो स्टार्टर की बॉडी के साथ लगता है, यानी कि जो कवर है स्टार्टर का मोटर वाला उसको खोल के उसके साथ एक अटैच करना होता है। दोस्तों, ये जो स्टार्टर मोटर की फिटिंग थी वो हमने कर ली है, और स्टार्टर बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है, अभी आप देख सकते हैं। देखिए, तो ठीक है, देखते रहिए हमारा चैनल टू व्हीलर गुरु। और जैसा कि मैंने आपको फोटो में दिखाया कि मेरे इस चैनल पे व्यूज़ तो बहुत आते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स और लाइक्स लगभग ना के बराबर आते हैं। मेरे चैनल पे लगभग 16,000 व्यूज़ है, लेकिन सब्सक्राइबर्स 200 से भी कम। सोचने की बात है कि 200 से भी कम। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपना जो भी सवाल है, जो भी सजेशन आपको चाहिए, अगर किसी चीज़ में आपको कुछ समझ में नहीं आता बाइक से लगती हुई कोई भी चीज़, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और जितना हो सके उतना मेरा इस वीडियो को और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। तो देखते रहिए टू व्हीलर गुरु। गुड बाय फ्रेंड्स।